नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई, गाड़ी कोई भी और कितनी भी महंगी हो, अगर उसकी टक्कर किसी बड़े व्हीकल से होती है जैसे ट्रक, बस या कंटेनर वगैरह, तो उसमें कायदे का नुकसान आना तय है और पैसेंजर को भी इंजरीज आने के काफी चांसेस होते हैं। लेकिन अगर यहाँ बिल्कुल ही लो बिल्ड क्वालिटी वाली व्हीकल है जैसे 1-2 स्टार वाली, तो किसी भी स्पीड में गाड़ी तो खत्म होगी ही, साथ में अंदर बैठे लोगों का भी बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और ऐसा कई बार देखा जा चुका है। आज जो एक्सीडेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो भी लो बिल्ड क्वालिटी वाली कार मारुति सुजुकी एस्प्रेसो और ट्रक के बीच हुआ है, जैसे कई सारे न्यूज चैनल्स ने शेयर किया है। ये एक्सीडेंट रिसेंटली असम के नागांव में लेडी पुलिस इंस्पेक्टर जून मनी राभा जी का हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मैम अपने कार से रात के समय NH-37 से होते हुए कहीं जा रही थी, तभी नागांव में सामने से आ रहे कंटेनर से उनके कार की टक्कर हो गई। अब यहाँ टक्कर एग्जैक्टली कैसे हुआ या कार की स्पीड क्या थी वो नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा गाड़ी ऑपोजिट साइड में जाकर कंटेनर से लड़ी है। अब इसका रीजन तेज रफ्तार था या कुछ और था वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है। खैर, टक्कर काफी जबरदस्त हुआ जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए। फोटोज में आप देख सकते हैं कंटेनर के इम्पैक्ट से इसका पूरा फ्रंट खत्म हो चुका है, आगे के पिलर्स कोलैप्स हो गए हैं, डोर्स टूट कर बाहर आ गए हैं और छत वगैरह भी पूरा मुड़ते हुए पीछे तक चला गया है। एक्सीडेंट के समय गाड़ी में इंस्पेक्टर अकेली मौजूद थी और अनफॉर्चुनेटली उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि कंटेनर का ड्राइवर स्पॉट से फरार हो गया। तो भाई, यहाँ पर जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। ये लेडी इंस्पेक्टर काफी ज्यादा फेमस हैं। इनको लेडी सिंघम और दबंग कॉप के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये काफी कॉन्ट्रोवर्सीज में भी रही हैं। इसी सबको देखते हुए मैम के फैमिली ने ये आरोप लगाया है कि इनका एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया गया है। हालांकि कई सारे रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा कि कार अनकंट्रोल होकर ट्रक में लड़ी है, जो लग भी रहा। खैर, इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता है। आपका क्या मानना है, ये एक्सीडेंट एग्जैक्टली कैसे हुआ है कमेंट में बताइए। और हमेशा एक ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी वाले कार को प्रायोरिटी दीजिए ताकि इस तरह के एक्सीडेंट्स में बचने के थोड़े बहुत चांसेस रहें।